कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। सैमसंग गैलेक्सी M52 5G बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। अभी दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि जब से पहली बार ये गीकबेंच पे गया था या दो तीन जगह पे लिस्ट हुआ था ना, तभी से ऐसा रूमर्स चल रहे थे कि ये सैमसंग गैलेक्सी F52 जो चाइना में लॉन्च हुआ है उसको रीब्रांड करके लाने वाले। थोड़ा सा बुरा लगा था क्योंकि उसमें TFT का पैनल आता था, थोड़ा सा बुरा लगा था, बट स्टिल 91 मोबाइल्स ने एक लीक में कहा है कि किसी इंटरनल ने सारे स्पेसिफिकेशन उनको बताए हैं, ये स्पेसिफिकेशन इसमें आने वाले हैं। उस रिपोर्ट की लिंक मैंने नीचे दे दिया, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, वैसे उसके पहले वीडियो देख लेना उसके बाद जाना। एंड सबसे बड़ी बात, ये ना तो F52 का रीब्रांड होने वाला है, ना तो A52 का रीब्रांड होने वाला है, A52S का, ये बीच का स्मार्टफोन हो जाएगा। और आपको स्पेशली स्पेसिफिक कुछ चीजें कम की गई, कुछ चीजें ज्यादा की गई ऑब्वियसली M51 से, लेकिन स्टिल ये स्मार्टफोन आपको पसंद आएगा, लिटरली पसंद आएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसको किस प्राइस पे लॉन्च करते हैं। अगर 25 से 30, क्योंकि M51 जो था ना उसको 25,000 पे लॉन्च किया गया था स्टार्टिंग में, बाद में प्राइसिंग कम कर दी गई, बहुत जल्दी प्राइसिंग नीचे लाई गई, लेकिन स्टार्टिंग में 25,000 पे लॉन्च किया गया था। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसको किस प्राइस पे लॉन्च करते हैं। वैसे 5G फोन है एंड सुपर एमोलेड के साथ आएगा, पॉसिबली इसकी प्राइस 25 से 30,000 के बीच में होगी, उससे कम नहीं होगी। और इसके लॉन्च से रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई थी पिछले 2-3 दिन पहले, जिसमें 4 स्मार्टफोन के बारे में कहा गया था। जैसे M32 जो है 25th को लॉन्च होने वाला 25 तारीख को, उसके बाद A52S आएगा सितंबर स्टार्ट होने से, पॉसिबली पहले अगस्त एंड होने से थोड़ा पहले हो सकता है। अब कब आएगा अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं, कहा जा रहा है अगस्त एंड होने तक आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि F42 जो है ना वो लॉन्च होने वाला है इंडिया में अर्ली सेप्टेम्बर, यानी 15 सेप्टेम्बर से पहले, एंड एंड ऑफ सेप्टेम्बर में ये आएगा M52 जो है ना, ये आपको 15 सेप्टेम्बर से 30 सेप्टेम्बर के बीच में इंडिया में देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब क्या दिया है 91 मोबाइल्स ने, वही इस वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ चीजें बताइए, कुछ चीजें नहीं बताइए, सारी चीजों को ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड का डिस्प्ले आने वाला है, फुल HD प्लस का पंच होल के साथ, यानी वैसा ही जैसा M51 में था। लेकिन एक चीज है कि इसमें रिफ्रेश रेट आपको हाई नहीं मिलेगा, 60Hz वाला ही पॉसिबली आए, क्योंकि वहां पे कोई चीज मेंशन नहीं की गई है। लेकिन ऑब्वियसली सारी चीजें इतनी प्रीमियम देंगे तो कुछ चीजें कम करेंगे, तो उन चीजों में पहली कम करने वाली चीज मेरे हिसाब से हो सकती है आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिले। लेट्स सी, देखते हैं। M51 में भी 60Hz का ही था, इसमें भी पॉसिबली आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट आएगा। उसके साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। अभी तक M सीरीज में कहीं पे भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं आया, सिर्फ M42 को छोड़कर, जबकि M42 में आपको HD प्लस का डिस्प्ले दिया हुआ है। पॉसिबली अगर इसमें फुल HD प्लस दे तो शायद आपको साइड माउंटेड मिले, अभी तक उसके बारे में कोई चीज मेंशन नहीं की गई है। रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा, सैमसंग की ब्रांडिंग होगी, एंड स्मार्टफोन देखने में पॉसिबली अच्छा लगेगा। तो जिनको इस बात का डर था कि IPS का या TFT का पैनल दे, चलिए इस चीज की खुशी है कि इसमें आपको सुपर एमोलेड का फुल HD प्लस का पैनल आने वाला है। चलिए इसके बाद बात करते हैं इसके वेट और डिजाइन की। ये 7mm थिक होगा, मतलब बहुत पतला अगर रिपोर्ट की माने तो, और 175 grams के आसपास वेट होगा, यानी काफी हल्का। M51 तो काफी भारी था, आपको मालूम है 216 grams के आसपास का वेट था, क्योंकि बैटरी भी बड़ी थी। ये वाला बहुत पतला होने वाला है, 7mm का और 175 grams के आसपास इसका वेट होगा। चलो अच्छी चीज है, एक थिन स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से, ये 91 मोबाइल के रिपोर्ट के हिसाब से, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। इसके बाद बात करते हैं चिपसेट की, तो इसमें गीकबेंच पे लिस्ट हुआ था तो वहां से पता चला था कि ये स्नैपड्रैगन 778 के ऊपर आने वाला है, 778G जो कि 5G चिपसेट है, और 11 5G बैंड्स के साथ आएगा, जो कि अच्छी चीज है। एंड 6 mAh पे बेस है, तो बैटरी एफिशिएंसी भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। स्कोर की बात करोगे तो 5,40,000 के आसपास जाता है, तो वहां पे कोई इशू नहीं है। एंड एड्रीनो 642L सारे गेमिंग ग्राफिक्स सब अच्छी तरह संभाल लेगा, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा, जो कि आपको One UI 3.1 के साथ आएगा, जो कि नॉक्स 3.7 जो कि लेटेस्ट है उसके साथ आने वाला है। यानी इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे सिक्योर फोल्डर, क्विक स्विच और कंटेंट सजेशन जैसे बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, जो कि नॉक्स में मिल जाते हैं। फुल फ्लेज वाला होगा तो सिक्योरिटी भी काफी तगड़ी रहेगी, परफॉर्मेंस का सेगमेंट अच्छा होने वाला है, वहां पर कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा इसमें रियर साइड पे ट्रिपल होगा। पहला प्राइमरी 64 megapixel का सेंसर होगा, अपाचर F1.8 का होगा, वहां से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, बुके पैनोरमा HDR सारी चीजें मिल जाएंगी, इश्यूज नहीं आएंगे। इसके साथ 12 megapixel का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, जिससे 119 degrees तक के वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों कर पाओगे, और 5 megapixel का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। तो अच्छी चीज है, मैक्रो नहीं दिया है बट अल्ट्रा वाइड में कह रहे हैं
कि मैक्रो वाले फीचर्स आपको देखने को उसमें मिल जाए। लेट्स सी, रियर साइड से 4K कर पाओगे, फ्रंट से भी कर पाओगे क्योंकि फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर दिया है, अपाचर F2.2 का है एंड सारे फीचर्स फ्रंट में मिल जाएंगे, बुके, पैनोरमा, HDR, रियर साइड पे फ्लैश होगा, फ्रंट में देखने को आपको नहीं मिलेगा फ्लैश। चलो अच्छी चीज है, लेट्स सी, वेट कर लेते हैं। वैसे भी फ्रंट में आजकल कौन देता है फ्लैश। इसके बाद बैटरी की बात करते हैं। अब बहुत थिन फोन होने वाला है इसलिए शायद आपको इतनी बड़ी बैटरी ना मिले। वैसे भी M51 का ये एक इशू था ना कि बड़ी बैटरी होने के बाद भी बैटरी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं थी। इसमें 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, इसके साथ साथ 15W का चार्जर आएगा अगर रिपोर्ट्स की माने तो। अब ये देखने वाली बात होगी कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कितने तक देते हैं। जैसे M32 को देखोगे उसमें 15W का चार्जर आता है लेकिन सपोर्ट 25W तक का है, तो आई विश कि इसमें भी आपको 25W तक का सपोर्ट दे दें, फास्ट चार्जर तो मिल ही जाएंगे। एंड उसके साथ साथ टाइप सी का पोर्ट भी रहेगा, यानी एक 4500 mAh की डिसेंट बैटरी, एक 15W का चार्जर और टाइप सी का पोर्ट। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है बट स्टिल डिसेंट है, बाकी सारी चीजें दे रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो। चलिए इसके साथ साथ सेंसर्स की बात करोगे तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, नॉक्स का फुल फ्लेज सपोर्ट, उसके साथ 3.5mm जैक, फेस अनलॉक, मतलब सब मिलने वाला है। जो चीजें आपको लगे कि बेसिक सेंसर्स होने चाहिए वो सारे सेंसर्स इसमें रहेंगे, सेंसर्स में कोई इशू नहीं आएगा। डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट होगा, यानी दो सिम कार्ड के साथ एसडी कार्ड लगा पाओगे, 1TB तक एक्सपांड कर सकते हो। वेरिएंट की बात करते हैं, दो वेरिएंट बताए गए हैं, 6GB और 8GB रैम वाले, और दोनों में स्टोरेज जो होगा 128GB तक का होगा दोस्तों। प्राइसिंग अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन आपको देखने को 25,000 से 30,000 के बीच में मिल जाएगा। अब लेट्स सी देखते हैं किस प्राइस तक लेकर आते हैं। वैसे एम सीरीज के फोन ए सीरीज से थोड़े से सस्ते होते हैं, अब अगर 30,000 के नीचे आ गया तो मैं कहूंगा एक अच्छी डील होगी सैमसंग के फोन्स में। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स सी देख लेते हैं कब तक आता है। वेट कर रहे हो कि नहीं इसका जरूर बता देना, आपके हिसाब से कैसे लगे स्पेसिफिकेशन ये भी बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट का खास नहीं करना, साइड में देखो वैक्ट इमेज है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाना यार, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों